आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी एंड क्रंची आलू के रोल। कम बजट में और कम टाइम में बनने वाला ये क्रिस्पी रोल बच्चे और बड़ों को बहुत ही पसंद आता है, तो आप इसे शाम के नाश्ते में बनाएं या इफ्तारी में बनाएं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए ये क्रिस्पी आलू के रोल बनाना शुरू करते हैं। आलू के रोल बनाने के लिए मैंने लिया है दो बड़े साइज का आलू, जिसे मैंने उबाल कर इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब मैं इसे हाथ की मदद से मैश कर दे रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने लिया है ब्रेड। हाँ, ये वही ब्रेड है जिसका हमने शाही टुकड़ा बनाया था, उसके साइड का पार्ट हमने काट के निकाल दिया था ब्राउन वाला, और बीच वाला पार्ट यूज कर लिया था। तो मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर इसके ब्रेड क्रम्स बना लूंगी, इसे दरदरा सा पीस लूंगी। और अगर आपने मेरी शाही टुकड़े वाली रेसिपी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने अपने आलूओं को मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, चटपटा सा टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और इसी के साथ डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1/3 कप चावल का आटा, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और अगर आप चावल का आटा नहीं यूज़ करते हैं तो आप ब्रेड क्रम्स डाल दें, अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो आप कॉर्नफ्लावर डाल दें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी धनिया, और इन सबको मैं हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अगर आपको ऐसे लगे आपका बैटर स्मूथ है, बहुत गीला है, तो आप उसमें थोड़े से और आटा डाल सकते हैं। और अगर आपके पास चीज़ हो तो चीज़ इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन बिना चीज़ के भी ये अच्छा बनता है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, जैसे मैं बना रही हूँ सिंपल, ऐसे भी बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, हमने आलूओं में सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया, और मैं थोड़ा सा आलू लेकर इसके रोल बना लूँगी। मैं इसे अपने दोनों हाथ की मदद से इसके रोल बना दे रही हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट इसका रोल बन गया है। और अगर आप हाथ की मदद से नहीं बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी आलू की स्टफिंग हाथ में लें और इसे पीढ़े पे ऐसे गोल गोल करते हुए इसके रोल बना लें। और अगर आपके आलू अच्छे से मैश नहीं होंगे तो ये रोल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपके आलू अच्छे से मैश होंगे तो झटपट बन जाता है ये रोल। तो ये देखिए, इसी तरह हम अपने सारे रोल को तैयार कर लेंगे। तो मैंने 2 आलू में 10 रोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए, इसे क्रंची बनाने के लिए इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मैदा, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। इसका घोल हमें मीडियम रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना बहुत ही पतला करना है, बस मीडियम घोल हमें इसका रखना है। तो ये देखिए, हमारा घोल भी तैयार है। अब मैं आलू का एक रोल लूँगी, इसे इस घोल में अच्छे से डीप कर दूँगी। फिर उसके बाद अब मैं इसे ब्रेड क्रम्स में डालूंगी, जो ब्रेड हमने अभी दरदरा सा पीसा, इसे डालकर इसमें अच्छे से कोट कर देंगे। आप जितना अच्छा इसे कोट करेंगे उतने ही क्रंची बनेंगे ये। और इसी तरह आपने सारे आलू के रोल को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 3 आलू के रोल को तैयार किया है। और अगर आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसे प्लेट के साथ ही फ्रीज में रख दें और 3 से 4 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, अपने रोल को डीप फ्राई करते हैं। हमारा तेल हीट था और मैं एक साथ 3 रोल को डाल रही हूँ। रोल्स डालने के बाद आप इसे 2 मिनट ऐसे ही छोड़ दें और गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखें। और जैसे ही इसका कलर कुछ चेंज हो जाए तो हम इसे फ्लिप कर देंगे और दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अगर आप डालने के साथ ही चम्मच चलाने लगेंगे, इसे उलटने पुलटने लगेंगे, तो ये टूट जाएंगे और आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो जब इसका कलर 1 साइड से आ जाए तो ही हम इसे फ्लिप करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा और टूटेगा नहीं। तो ये देखिए, हमारे रोल्स का कलर आ गया है, अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह अपने सारे आलू के रोल्स को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे क्रिस्पी आलू के रोल बनकर तैयार हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये रोल। बाहर से जितने क्रंची हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट और टेस्टी हैं। आप इसे टोमेटो केचप के साथ खाएं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं ये पोटैटो फिंगर्स।
तो देखा आपने कितनी क्विक एंड इजी रेसिपी थी। आप इसे शाम के नाश्ते में बनाएं, सबको बहुत ही पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।